शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की ओर से मजदूर के राष्ट्रीय संघर्ष दिवस का समर्थन तथा अपनी मांगों को लेकर गीता मंदिर के पास मुक प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर यूनियन सदस्य सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए बड़ी संख्या में मौजूद थे। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की ओर से मजदूरों के राष्ट्रीय संघर्ष दिवस का समर्थन तथा अपनी मांगों को लेकर गीता मंदिर के पास मुक प्रदर्शन किया गया। आयकर न देने वाले सभी नागरिकों को अगले 6 माह तक 7,500 रुपए प्रति माह का भुगतान करें। खेत मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन, पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि वापस लेना चाहिए तथा बिजली बिलों पर सब्सिडी आदि मांगे की गई। इस मौके पर अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की सदस्य अंजलि तिरुपड़े इन्होंने जानकारी दी। ये आंदोलन इसलिए है महाराष्ट्र राज्य खेत मजदूर यूनियन की तरफ से कि जो सरकार है जो खेत मजदूर यूनियन के बारे में कुछ भी खेत मजदूर के बारे में कुछ भी सोचते नहीं है, कुछ भी उनकी जो मांगे है वो भी पूरी नहीं कर रहे हो। अभी जो कुछ भी वो मनरेगा कर रहे हैं उसमें भी वो जो रोजी मिल रही है उनको रोज मिल रहा है वो भी बहुत कम है। हमारा कहना है, हमारा महाराष्ट्र राज्य खेत मजदूर यूनियन की तरफ से कहना है कि 600 रुपये मजदूरी उनको मिलनी चाहिए। खेत मजदूर का सुरक्षा कायदा होना चाहिए, सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा का कायदा होना चाहिए उनके लिए। बहुत सी मांगे हैं हमारी। मनरेगा की ओर से जो मजदूर लोग हैं उनको 600 रुपये रोजी रोटी देना चाहिए, ये इनका कहना है। साथ ही साथ सरकार ने किसानों की ओर जो अनदेखी की है जिसके चलते किसान तिल तिल मर रहा है, ऐसे में सरकार ने किसानों की ओर ध्यान देना चाहिए, उनका जीवन समर्थन करना चाहिए। ऐसा भी इस समय में महाराष्ट्र राज्य क्षेत्र मजदूर यूनियन के इन तमाम कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन के जरिए सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का पूरा पूरा प्रयत्न किया है। अब देखना ये होगा कि सरकार इन बातों की ओर किस प्रकार से ध्यान देता है या फिर ढाक के 3-5 जैसे कामकाज जैसा हो रहा था वैसे होगा, ये एक देखने वाली बात होगी। कॉटन मार्केट से कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ संजय मिरे, NBCN न्यूज नागपुर।